आज मैं आपको बताने वाला हूँ द इनविजिबल मैन नॉवेल के फर्स्ट चैप्टर द स्ट्रेंज मैन अराइवल के बारे में। तो इस नॉवेल की शुरुआत होती है एक स्ट्रेंजर से, क्योंकि ब्रिम्बलहर्स्ट रेलवे स्टेशन से आता है। ब्रिम्बलहर्स्ट रेलवे स्टेशन इपिंग नाम के गांव में होता है, और जब स्ट्रेंजर आ रहा होता है तो रास्ते में बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी, और ये एक फरवरी का महीना था, तो इस टाइम पर इपिंग बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। तो स्ट्रेंजर कोच एंड हॉर्सेस नाम के एक इन पर आता है, और वो अपने सूटकेस को नीचे ड्रॉप कर देता है। स्ट्रेंजर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज लुक में था, क्योंकि उसने ऊपर से नीचे तक अपने आप को पूरी तरह कवर कर रखा था। उसने सबसे ऊपर एक हैट पहनी हुई थी, अपने पूरे फेस पर उसने पट्टियां लगाई हुई थी, और उसने एक ब्लू कलर का स्पेक्स पहने हुए थे जिसमें साइड लाइट्स थी। फिर उसने कोट पहना हुआ था और नीचे उसने बूट्स पहने हुए थे, मतलब उसने अपने आप को पूरी तरह से ढक रखा था। कोच एंड हॉर्सेस नाम की इन पर आते ही उसका सामना होता है मिसेस हॉल से, कि उस इन की मालकिन होती है। स्ट्रेंजर मिसेस हॉल को कहता है कि इंसानियत के नाम पर मुझे एक कमरा और आग दे दो, और वो मिसेस हॉल को कुछ एडवांस में रुपए भी देता है। सबसे पहले तो मिसेस हॉल स्ट्रेंजर को देखकर एकदम सरप्राइज हो जाती है, और ये एक आम सी बात है, क्योंकि अगर हम किसी इन के मालिक के मालकिन होते और अगर ऐसा स्ट्रेंजर हमारे सामने आ जाता जिसकी सिर्फ एक नोज ही विजिबल है और पूरी तरह वो कवर्ड है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंज उसका अपीयरेंस है, तो हम भी एकदम सरप्राइज हो जाएंगे। मिसेस हॉल भी इसी तरह सरप्राइज हो जाती है, लेकिन स्ट्रेंजर मिसेस हॉल को कुछ एडवांस में रुपए दे देता है, तो इससे मिसेस हॉल उसको वहाँ पर कमरा दे देती है। और मिसेस हॉल ये भी सोचती है कि ये एक फरवरी का महीना है, और इपिंग में अक्सर फरवरी के महीने में ज्यादा स्ट्रेंजर के गेस्ट आया नहीं करते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मिसेस हॉल स्ट्रेंजर को वहाँ पर एक कमरा दे देती है। मिसेस हॉल स्ट्रेंजर को उसके रूम तक छोड़ कर आती है, वो थोड़ा सा दलिया देती है और उसको आग के पास खड़ा कर देती है। अब वो स्ट्रेंजर से कहती है कि आग के कपड़े एकदम भीग गए हैं, और स्ट्रेंजर के कपड़े इसलिए भीग गए थे क्योंकि जब वो आ रहा था तो रस्ते में इतना फोड़ हो रही थी। तो मिसेस हॉल कहती है कि आप उस कपड़ों को मुझे दे दीजिए और मैं बाहर जाकर इसको सुखा देती हूँ। तो स्ट्रेंजर कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इनको भी पहन के रखना चाहता हूँ, और वो आग के सामने खड़ा हो जाता है। फिर मिसेस हॉल वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब मिसेस हॉल स्ट्रेंजर के लिए खाना लेकर आती है तो तब भी स्ट्रेंजर विंडो के पास खड़ा हुआ रहता है, और उसने अभी तक उन कपड़ों को पहन के रखा हुआ होता है। इस टाइम पर स्ट्रेंजर ने अपने कोट और हेड को तो रिमूव कर दिया था, और जैसे ही मिसेस हॉल उसके रूम में एंटर होती है तो उसके रूम में बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है, और सिर्फ एक आग की ही रोशनी वहाँ पर होती है। तो सिंस स्ट्रेंजर ने हैट नहीं पहनी हुई होती है, तो स्ट्रेंजर का जो चेहरा है वो बहुत ही ज्यादा अजीब दिखता है मिसेस हॉल को। स्ट्रेंजर ने अपने पूरे चेहरे को पट्टियों से कवर कर रखा था, और उसने एक स्पेक्स लगा रखा था अपनी आंखों पर, और सिर्फ एक पिंक नोज ही विजिबल हो रही थी। तो इस पर मिसेस हॉल सोचती है कि शायद स्ट्रेंजर का कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, और इसी कारण उसका फेस भी डिफॉर्म हो गया होगा, तो इसलिए उसने अपने पूरे चेहरे पर पट्टियां लगा रखी है, और इसीलिए वो अपने चेहरे को सभी लोगों से छुपाता भी है। तो फिर मिसेस हॉल स्ट्रेंजर से पूछती है कि क्या अब मैं आपके कोट और हैट को सुखाने के लिए ले जा सकती हूँ। तो उस पर स्ट्रेंजर कहता है कि हाँ, आप इसको सुखाने के लिए ले जा सकती है। फिर थोड़ी देर बाद जब मिसेस हॉल स्ट्रेंजर के खाने के बर्तन को लेने आती है तो स्ट्रेंजर मिसेस हॉल से बात करता है। स्ट्रेंजर मिसेस हॉल से कहता है कि उसे ब्रिम्बलहर्स्ट रेलवे स्टेशन से कुछ सामान मंगवाना है। पर मिसेस हॉल कहती है कि आज से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन वो पूरी कोशिश करेगी कि कल स्ट्रेंजर का सामान ब्रिम्बलहर्स्ट रेलवे स्टेशन से इन तक ले आए। फिर मिसेस हॉल आगे स्ट्रेंजर से बातचीत करने की कोशिश करती है। इस पर स्ट्रेंजर मिसेस हॉल से बहुत ज्यादा रूडली बिहेव करता है, और वो मिसेस हॉल को कहता है कि उसको माचिस चाहिए। तो मिसेस हॉल को भी स्ट्रेंजर पर गुस्सा तो आता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि ये एक फरवरी का महीना है, इपिंग में इस टाइम पर ठंड पड़ती है, और स्ट्रेंजर ने उसको एडवांस में रुपए भी दे रखे हैं, क्योंकि इस टाइम पर इपिंग में कोई गेस्ट भी नहीं आता था। तो फिर मिसेस हॉल अपने आप को कंट्रोल करती है, वो स्ट्रेंजर के लिए एक माचिस का डिब्बा ले आती है। फिर स्ट्रेंजर शाम की 4 बजे तक पार्लर में ही रहता है, और उसके अपने आप से बात करने और चलने की आवाज भी आती है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही।